तो गुरु लोग हेल्स पैराडाइज एक ऐसे एनिमे जिसके फर्स्ट एपिसोड इतना ज्यादा तगड़ा था कि कुछ लोग तो इसे डीमन स्लेयर चेंजसो मैन जुजुत्सु कैसन से कंपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो इससे बेटर भी बता रहे हैं, पर आखिर क्यों? तो हेल्स पैराडाइज का ओरिजिनल जापानीज नेम है जिकोकुराकू, जिसका मांगा का फर्स्ट वॉल्यूम आया था 2018 में और इसको बनाया था उजी काकू ने। एक तो भाई पता नहीं मांगा राइटर्स की फोटो क्यों नहीं मिलती, पता नहीं क्या सीन है, पर हेल्स पैराडाइज की पूरी स्टोरी लिखी गई है उजी काकू द्वारा और 2018 से लेकर 2021 तक हेल्स पैराडाइज की पूरी स्टोरी 13 वॉल्यूम में निपट चुकी थी। और उसी वक्त जब मांगा रीडर्स के बीच यह एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई तो फाइनली 2023 में इसका एनिमेशन हमें देखने को मिल रहा है। और ठीक ही सोचा आपने, मांगा की ही तरह एनिमे में भी सिर्फ 13 एपिसोड्स होने वाले हैं, इसका कोई भी सेकंड सीजन नहीं आएगा, क्योंकि हेल्स पैराडाइज एक सिंगल कोर एनिमे है। एक सिंगल कोर एनिमे का बेसिक सा मतलब होता है एक ऐसी एनिमे सीरीज जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीजन हो, और यहीं से शुरू होती है उस सीजन की जिसमें सिर्फ 2 एपिसोड देखने के बाद लोगों के बीच अपनी पूरी हाइप बना दी। तो देखो यार, एक बात को जो एक एनिमे स्टोरी का बेस मटेरियल ही 13 वॉल्यूम में खत्म हो रही है और जिसके आने वाले एपिसोड्स भी लिमिटेड ही होंगे। अब एक सिंगल कोर एनिमे होने की वजह से शो के क्रिएटर्स ये तो नहीं कर सकते कि मेन कैरेक्टर का पहले स्ट्रगल दिखाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता। सिर्फ 13 एपिसोड्स होने की वजह से टाइम पीरियड काफी लिमिटेड था, दैट्स व्हाई फर्स्ट एपिसोड में उसका बैडेस्ट इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसका गोल क्या है, जीने का मकसद, लव स्टोरी, एवरीथिंग हमें पहले एपिसोड में देखने को मिल जाता है और ये सब इतना ज्यादा फास्ट हो गया और मापा स्टूडियो का भयंकर एनिमेशन के साथ हो गया, तो भाई एनिमे फैंस का ये सब देख के होश उड़ गए। मीन एक रैंडम एनिमे आए और सिर्फ 3 एपिसोड में ही लोगों को अपना फैन बनाकर चला गया।